भारतीय टीम जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से अजय रही है, उसी तरह से अब अपने आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड की टीम को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और इसी को लेकर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई सारे बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जिसको देखकर नीदरलैंड की टीम की कप्तान ने मैच से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ बताने वाले हैं कि भारत और नीदरलैंड के बीच आखिरी मुकाबला कब खेला जाएगा और टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये बता सकते हैं कि इस मैच में रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह में से कौन सबसे अधिक विकेट लेगा, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सभी अपने 8 मुकाबले जीतकर नीदरलैंड की टीम से आखिरी मुकाबला खेलेगी, जो कि बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 12 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। इसी को लेकर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने टीम में कई सारे बड़े बदलाव किए। तो भाई, नीदरलैंड की टीम के लिए यह मैच काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम के लिए अगर वर्ल्ड कप में अपनी साख बचानी है तो उसे हर हाल में भारतीय टीम को हराना ही होगा। लेकिन भारतीय टीम जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से अजय रही है, तो वह नीदरलैंड जैसी छोटी टीम के लिए भारतीय टीम को हराना बहुत ही नामुमकिन होगा। हालांकि नीदरलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को भी हराया था। लेकिन भारतीय टीम की जिस तरह से बल्लेबाजी तथा बॉलिंग फॉर्म में चल रही है, उसको देखते हुए नीदरलैंड की टीम के लिए यह मैच काफ़ी आसान नहीं होने वाला है। तो भाई, राहुल द्रविड़ इस मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई सारे बदलाव कर रही है, जहां पर बेंच पर बैठे खिलाड़ियों के लिए इस महामुकाबले में मौका देने जा रहे हैं। तो लगातार मैच खेल रहे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर तथा सुमन गिल को इस मैच से आराम देने पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर और रविचंद्र अश्विन जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की टीम इंडिया में एंट्री कराई जा सकती है। हालांकि इससे भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन भी बिगड़ सकता है। देखना होगा कि राहुल द्रविड़ इस महामुकाबले में किसके लिए मौका देते हैं। तो वहीं नीदरलैंड की टीम भी इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से बुरे दौर से गुजर रही है और टीम ने मात्र वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम ने मात्र 2 में ही जीत दर्ज की है और टीम फर्स्ट टेबल में 9वें पायदान पर मौजूद है। तो वहीं भारतीय टीम भी वर्ल्ड कप के सभी 8 मैच जीतकर पहले पायदान पर विराजमान है। तो वहीं इस महामुकाबले से पहले ही, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम को बुरी तरह से हराया है, क्योंकि उस मैच में भारतीय टीम के रविंद्र जडेजा ने बहुत शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट लिए। तो वहीं मोहम्मद शमी ने भी शानदार गेंदबाजी की थी। तो वहीं बल्लेबाजी में टीम के विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। तो यही रोहित शर्मा के लिए उम्मीद है कि यह बल्लेबाज अच्छा ही प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि उस टीम में वर्ल्ड कप में भारतीय टीम लगातार अच्छा ही प्रदर्शन कर रही, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम ने मात्र 83 रन ही बनाकर पूरी तरह से ऑल आउट हो गई थी, जो टीम इस वर्ल्ड कप में अभी तक पूरी तरह से फायर ब्रांड रही थी। हालांकि उस मुकाबले में कोई भी बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। तो वहीं राहुल द्रविड़ इस महामुकाबले के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं, जहां पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी टीम के कप्तान रोहित शर्मा और एक बार फिर से सुमन गिल करने वाले हैं, क्योंकि टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और वह भारतीय टीम के लिए हमेशा से ही ताबड़तोड़ शुरुआत दिला रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और 40 रन की धुआंधार पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए उस महामुकाबले में एक शानदार जीत दिलाई थी, तो भाई रोहित शर्मा अभी तक वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक तथा 1 शतक के साथ वह 450 से अधिक रन बना चुके। तो भाई सुमन गिल भी लगातार वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों मुकाबलों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। तो भाई सुमन गिल ने अभी तक वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 250 से अधिक रन बना चुके हैं। तो भाई 3 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक बार फिर से विराट कोहली इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि उन्हें इस महामुकाबले से आराम भी मिल सकता है, लेकिन इससे भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन भी खराब हो सकता है, इसलिए रोहित शर्मा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और
विराट कोहली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर उस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाई दी। अभी तक विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 अर्धशतक तथा 3 शतक के साथ वह 550 से अधिक रन बना चुके हैं। वही 4 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक बार फिर से श्रेयस अय्यर इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने पिछले दोनों मुकाबलों में शानदार 70 रन से अधिक की पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए बड़े मुकाबले से पहले ही अपने फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए। तो वहीं 5 नंबर के लिए भारतीय टीम की एक समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरह से वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी उस तरह से अब वह बल्ला नहीं चला पा रहे हैं और पिछले 4 मैचों में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। इसलिए रोहित शर्मा इस महामुकाबले में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं, उनकी जगह इस मैच में ईशांत किशन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं 6 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वह पिछले 2 मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, लेकिन भारतीय टीम में बल्लेबाजों की कमी होने के कारण उनकी इस नंबर पर जगह पक्की मानी जा रही है। तो वहीं 7 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास रविंद्र जडेजा मौजूद है, क्योंकि रविंद्र जडेजा अब वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने बल्लेबाजी से धमाकेदार प्रदर्शन किया, तो वहीं गेंदबाजी से और भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए उस महामुकाबले में उन्होंने 5 विकेट देकर भारतीय टीम को एक तरफा जीत दिलाई दी, क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 8 मैचों में 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं 8 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास कुलदीप यादव जैसे धाकड़ बॉलर मौजूद है, क्योंकि कुलदीप यादव भी लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वही प्रदर्शन जारी रखा और 2 विकेट अपने नाम किए। तो कुलदीप यादव ने अभी तक वर्ल्ड कप में कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं इस मुकाबले के लिए उनकी जगह हालांकि रविचंद्र अश्विन को मौका मिल सकता है और कुलदीप यादव को रेस्ट दी जा सकती है। तो वहीं 9 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई भी विकेट नहीं लिया, लेकिन उन्हें उस मैच में ज़्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। फिर भी उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप के 8 मैचों में शानदार गेंदबाजी की है और 15 विकेट अपने नाम किए। तो वहीं 10 नंबर के लिए टीम के पास मोहम्मद सिराज जैसे धाकड़ तेज गेंदबाज मौजूद है, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप के 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वही आखिरी नंबर के लिए टीम के पास मोहम्मद शमी जैसे धाकड़ तेज गेंदबाज मौजूद है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने जब से भारतीय टीम में गेंदबाजी में वापसी की है तब से टीम इंडिया की बॉलिंग काफ़ी खतरनाक हुई है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने मात्र वर्ल्ड कप में 4 ही मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 16 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इसलिए इस प्लेइंग 11 को देखकर नीदरलैंड की टीम पहले ही खौफ खा चुकी है। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ नीदरलैंड की टीम को हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस प्लेइंग 11 में क्या और बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।